हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी स्टार्ट क्लास 3rd सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8, और यूनिट 8 हमारा है व्हाट इज इन द मेल बॉक्स। तो मेल बॉक्स क्या होता है? जो हम मेल करते हैं ना, वो उसको कहते हैं चर्च पर चिट्ठी बोलते हैं। उसको हम दूसरे को कुछ किसी को हमें भेजना होता है दूसरे गांव शहर में, तो हम क्या करते हैं पोस्ट में उस मेल को डाल देते हैं, उस पर चिट्ठी को, और जिसको भी हमें भेजना होता है उसका एड्रेस डाल देते हैं, फिर वो उसकी उसके पास पहुंच जाता है। तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मेल। तो किस तरह का होता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पोएम दी है, वो हम पहले देखते हैं किस तरह से वो दी है हमें। तो चलो, व्हाट हैव यू एवर रिसीव्ड अ लेटर इफ़ यू हैव नॉट सी व्हाट इज द चाइल्ड डिसाइडेड टू। यहाँ पे एक बच्चे की बात की गई है और वो क्या बोलता है वो हम देखेंगे। व्हाट इज इन द मेल बॉक्स, तो मेल बॉक्स क्या है? मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स विद लेटर्स 2 or 3, दे आर फॉर माई मदर और माई डैड। वो बच्चा क्या बोलता है कि हमारे घर में पोस्टमैन मेल बॉक्स मेल दे जाता है, हमें लेटर दे जाता है, जो मेल बॉक्स में आता है ना वो लेटर देता है 2 होता है या 3 होता है, तो वो मेरे मम्मी का और मेरे पापा का ही होता है, मेरा तो कुछ होता ही नहीं है, बट नेवर वन फॉर मी। वो क्या बोलता है कि मेरे मम्मी का आता है, मेरे पापा का भी लेटर आता है, उसके फ्रेंड्स भेजते हैं, कुछ उसके कुछ वर्क का होता है वो लेटर होता है, तो मुझे तो कोई देता ही नहीं है लेटर्स, मेरे बारे में तो कोई नहीं देता है और मुझे कोई लेटर नहीं देता, इस तरह से वो बोलता है। आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स, तो वो क्या बोलता है कि मैं एक लेटर लिखूँगा, फिर इस लेटर लिख कर मैं, दैट इज़ वॉट आई एम गोइंग टू डू, फिर मैं उस लेटर को लिख कर मैं पोस्ट में उसको भेजूँगा, एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी एंड आई विल गेट लेटर टू। फिर वो क्या कहता है कि मैं लेटर लिखूँगा, फिर मैं अपने फ्रेंड्स को भेजूँगा, फिर उसका आंसर मेरे फ्रेंड्स मुझे देंगे, तो मेरे पास भी लेटर पहुँच जाएगा, फिर मम्मा का और पापा का जिस तरह से आता है इस तरह से मेरा भी लेटर आएगा। देखा ना उस बच्चे ने क्या लेटर के बारे में बताया। यहाँ पे लेटर क्या होता है कि आपको आपके फ्रेंड्स उसको कुछ लिखकर भेजना है, तो आप एक किस तरह का पोस्ट कार्ड होता है, देखो ये देख सकते हैं आप, उसको लिखकर आप इस पोस्ट बॉक्स में भेज सकते हैं, तो वो आपके फ्रेंड्स के पास पहुँच जाएगा। तो वो बच्चा भी क्या कहता है कि मैं भी मेरे फ्रेंड्स को लिखूँगा, फिर वो मुझे आंसर देंगे, तो मेरे पास भी लेटर आ जाएंगे। ओके, फिर न्यू वर्ड्स हमने कौन से देखे यहाँ पे, तो कि लेटर्स मीन्स पर चिट्ठी, ऑलवेज मीन्स हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं, एंड थ्रो मीन्स कुछ यहाँ इस तरह का जो होता है ना, या तो वो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो। तो पोस्टमैन आपने देखा है ना किस तरह का होता है, ए वाला होता है पोस्टमैन, फिर हम ए लेटर लिख कर किस में डालते हैं, तो किस पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, मेल बॉक्स में डालते हैं, फिर एक मेल बॉक्स में डालकर एक पोस्टमैन उसमें से लेकर एड्रेस जो भी हो वहाँ पे वो भेज देता है, और इस तरह का मेल हमारे घर पे आता है। चलो अब यहाँ पे आपको कुछ रीडिंग इस फन दिए, क्वेश्चन दिए हैं। वो डज द पोस्टमैन ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम द पोस्टमैन है, वो लेटर है ढेर सारे सभी लेटर किसके बारे में आते थे, तो कहते हैं पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फ्रॉम मदर एंड फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर, वो बच्चा है उसके पास एक कोई भी लेटर आता था? नो, चाइल्ड एवर गेट लेटर। थर्ड वन, व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइडेड टू, चाइल्ड उसने क्या डिसाइड किया, तो चलो इसका क्वेश्चन मैं बोलती हूँ। Child decided to write, to do, to write some letters to his friends. Top time. चलो अब यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन दिए हैं। Have you written letters? क्या आपने कभी लेटर्स लिखा है? लिखा है तो यस, और न लिखा हो तो नो।
वो हैव यू राइट टू, फिर आपने किसको लिखा है उसका नाम लिखना है, अपने फ्रेंड्स को लिखा है, फादर मदर, कुछ आपके रिलेटिव्स को लिखा, अंकल आंटी कोई को भी लिखा है तो उसका नाम इसमें लिख सकते हैं। वो वुड यू लाइक टू राइट टू टूडे वाई, फिर आपने वो लेटर लिखा है कि आप उसको पसंद करते हैं, किस तरह का लिखना है आपने वो, और क्यों पसंद करते हैं, फिर आपको उसका आंसर मिलेगा, तो आप इस तरह का आंसर लिख सकते हैं, आई लाइक टू राइट माई लेटर, एंड आंसर इसमें लिख सकते हैं आप, माई फ्रेंड्स माई कजिन विल आंसर मी एंड आई विल गेट लेटर टू। ओके, इस तरह का आंसर आप लिख सकते हैं। एंड रीड दिस लेटर केयरफुली, देवू हैज राइटन अ लेटर टू हिज ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे गिफ्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन हमने देखा ना, उसका आंसर किस तरह से आप जो लिखते हैं लेटर वो किस तरह का होता है और क्या रीज़न देखकर आप उसका लेटर लिखते हैं, तो हमें यहाँ पे एक दिया है, एक देवू नाम की लड़की है, वो अपने ग्रैंडफादर मतलब अपने दादाजी को एक लेटर लिखती है और क्या कहती है, थैंक यू कहने के लिए, क्योंकि उसके दादाजी ने उसको बर्थडे गिफ्ट दी होंगी इसीलिए। तो पहले आप क्या लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे आप, जो दादाजी रहते हैं उसका एड्रेस, तो वहाँ पे हमें दादाजी का एड्रेस लिखना पड़ेगा ना, वो वहाँ पे, फिर वो पोस्टमैन है वो वहाँ पे लेटर पहुँचाएगा। तो एच नंबर 1792 दरिया गांधी गांधी न्यू दिल्ली 110007 25th January 2006। फिर डेट लिखनी है जिस डेट को आपको भेजना है उसकी। फिर डियर ग्रैंडफादर, आप किसको लिखते हैं यहाँ पे, देवू किसको लिखती है लेटर, तो कि ग्रैंडफादर को, तो वो उसके ग्रैंडफादर का नाम लिखती है। अगर आपको आपके अंकल को भेजना है तो आप आपके अंकल का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर आप किस तरह से उसमें आंसर लिखेंगे, तो कि थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल बुक ऑफ पंचतंत्रा स्टोरी। वो दादा है उसके ग्रैंडफादर, उसने कौन सी बुक दी थी, तो कि पंचतंत्रा स्टोरी की, तो वो बोलती है कि थैंक यू ब्यूटीफुल बुक, आपने जो मुझे बुक दी बहुत अच्छी है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, यू विल बी हैप्पी टू नाउ दैट आई रीड वन स्टोरी एवरी डे। फिर वो क्या कहती है कि मैं बहुत खुश हो गई जो आपने मुझे बुक दी इसकी वजह से, एंड आई रीड वन मतलब कि मैं हर रोज़ वन स्टोरी, हर रोज़ एक स्टोरी पढ़ती हूँ, एवरी डे मीन्स हर रोज़। थैंक यू का मतलब शुक्रिया, ब्यूटीफुल का मतलब अच्छी, बहुत अच्छी, बुक का मतलब तो आपको पता है पुस्तक, और पंचतंत्रा स्टोरी एक उसकी एक होती है ना कहानी, कहानी की एक बुक दी है और उसमें ढेर सारी डिफरेंट डिफरेंट कहानियाँ होती है। फिर वो कहती है कि यू मीन्स आपने जो भी मुझे बुक दी है इससे मैं विल बी हैप्पी मीन्स कि मैं बहुत खुश हूँ, एंड टू नाउ दैट आई रीड, और मैं उसको हर रोज़ रीड करती हूँ, रीड आई मतलब मैं, रीड का मतलब पढ़ना, और वन स्टोरी मतलब एक स्टोरी हर रोज़ पढ़ती हूँ, विथ लव देवू आपकी प्यारी देवू, विथ मीन्स साम आपके साथ, आपकी आपकी, लव का मतलब प्यारी, तो क्या आपकी प्यारी देवू, आप भी अपने दादाजी को बहुत प्यारे लगते हैं ना, दादाजी सबको अच्छे लगते हैं, लगते हैं ना, मुझे भी बहुत मेरे दादाजी अच्छे लगते हैं, आपको भी लगते होंगे, क्योंकि दादाजी हैं वो हमारी सब विशेष पूरी करते हैं, हमें कुछ भी चाहिए तो वो हमें दिला देते हैं, फिर मम्मा है ग्रैंड मदर है वो हमें क्या थोड़ा थोड़ा चिल्लाती है बट दादाजी है वो हमारी हर विश पूरी करते हैं, जो भी हमें चाहिए वो करते हैं ना, आपके भी दादाजी करते होंगे इस तरह से, तो आपको भी अपने दादाजी को इस तरह से लेटर लिखकर देना चाहिए, आपके दादाजी बहुत खुश हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह का एक वाइट ब्लैंक पेज लेकर जो लेटर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया वो लेटर लिखना है, फिर अपने दादाजी को देना है, वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे। ओके, तो चलो हमने लेटर देख लिया, अब यहाँ पे लेट्स राइट नाउ राइट अ लेटर ऑफ योर फ्रेंड टेलिंग हियर अबाउट योर स्कूल, यू कैन यूज सम ऑफ दिस वर्ड्स, क्लासरूम चिल्ड्रन बेल बैकग्राउंड टीचर बिल्डिंग पेपर फन। तो यहाँ पे आपको एक आप जिस कोई किसी इस चीज़ कोई
आंसर लिख कर एक लेटर लिख सकते हो। किस तरह से लिखना है वो हम देखते हैं अपने फ्रेंड्स को, और कौन सी इसमें चीज़ आप ऐड कर सकते हैं वो। पेपर फोन, एक पेपर लेना है। एक्टिविटी, लेट्स मेक एन अनलॉक एंड पोस्ट योर लेटर टू। वो किस तरह से बनता है वो लेटर हम देखते हैं। और यहाँ पे आपको टेलिंग ईयर अबाउट योर स्कूल, यू कैन यूज़ सम दिस वर्ड्स। यहाँ पे इस तरह का वर्ड यूज़ करके भी आप लेटर लिख सकते हैं। तो ये आपको होमवर्क में मैंने आपको बताया इस तरह से ग्रैंडफादर वाला था, इस तरह से आप अपने फ्रेंड्स को भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने देखा पेपर फोन। तो फर्स्ट आपको टेक अ स्क्वेयर पीस ऑफ पेपर, एक स्क्वेयर पेपर लेना है। किस तरह का, तो कि स्क्वेयर पीस वाला। फिर आपको फोल्ड ऑल द फोर कॉर्नर्स टू मेक फोल्ड। फिर आपको चारों साइड से क्या कर देना है, फोल्ड कर देना है। किस तरह की, तो के ट्रेंगल शेप में। फोल्ड टू कॉर्नर्स एंड पेस्ट देन विथ अ लिटल ग्लू। फिर आपको टू कॉर्नर को ग्लू की मदद से स्टिक करना है। क्या कर देना है, स्टिक कर देना है। फोल्ड द थर्ड कॉर्नर ऑन पेस्ट इन विथ द ग्लू। फिर थर्ड कॉर्नर जो साइड में होती है उसको भी आपको क्या कर देना है, उसके ऊपर चिपका देना है। फिर लीव द फोर्थ कॉर्नर ऑफ ओपन। फिर आपको फोर्थ कॉर्नर को ओपन करके अपना लेटर इसमें ऐड कर देना है, डाल देना है। तो मैं आपको इसका वीडियो होगा तो मैं आपको भेजूँगी किस तरह से ये बनता है लेटर बॉक्स, इसका मैं आपको वीडियो भेजूँगी। ओके, तो आप पहले देख लीजिए। राइट द एड्रेस नियर ऑन द एनवलप एंड फिक्स द स्टैम्प ऑन द राइट कॉर्नर। यहाँ पे राइट साइड में आप एड्रेस लिखना है आपको। पुट द लेटर इनसाइड टू। नाउ सील द फोर्थ कॉर्नर इज वेल योर लेटर इज रीड इट बाय पोस्टेड योर फ्रेंड। फिर आप अपने फ्रेंड्स को इस तरह का इसमें लेटर डालकर भेज सकते हैं, और फिर आपके फ्रेंड्स उसको रीड करेंगे, फिर आपको आंसर देंगे। फिर वर्ल्ड बिल्डिंग, यहाँ पे आपको वर्ल्ड के एक बड़ी बड़ी कितने सारे नंबर दी है, उसी लिए उसको बोला जाता है बिल्डिंग। हियर सम पीपल वू हेल्प अस, लेट्स ट्राई मैचिंग अ विथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आपको ए एंड बी दो मैच करने हैं दोनों पार्ट को। तो ए से हमें ए पढ़ना है वर्ड, और बी को हमें उसके साथ ज्वाइंट करना है जो भी पीपल हमें हेल्प करते हैं उसमें। तो फर्स्ट है पोस्टमैन। तो पोस्टमैन है वो हमें क्या हेल्प करता है, हमें यहाँ पे बी में, बी सेक्शन में ढूंढना है। पोस्टमैन हमें हेल्प करता है ड्राइव अ मोटर व्हीकल, टीच इन अ स्कूल, लुक्स आफ्टर पेशेंट्स, राइट प्लेयर्स, ट्रैवल्स, मेक पीपल लाफ, मेंड योर शूज, प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वर्क इन लाइब्रेरी एंड ब्रिंग योर लेटर्स। पोस्टमैन क्या करता है, ब्रिंग योर लेटर्स, वो सबको लेटर भेजता है। तो हम इसको इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे, वो पोस्टमैन है यहाँ पे, इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे पोस्टमैन को। ओके, फिर दिया है कोबलर। तो कोबलर क्या करता है, तो कोबलर होता है वो करता है, चलो देखते हैं हम वो क्या करता है, तो के मेंड और शूज, वो शूज को बनाता है। तो कोबलर को हम मेड और शूज के साथ ज्वाइंट कर देंगे। फिर ए है ए लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन मीन्स वो, तो के जो लाइब्रेरी में रहते हैं और बुक का वर्क करते हैं। यहाँ पे आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, तो लाइब्रेरियन में जो फैकल्टीज होते हैं वो बुक का वर्क करते हैं, सभी को बुक प्रोवाइड करते हैं। तो हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, लाइब्रेरी को वर्क इज अ लाइब्रेरी। फिर और ड्राइवर, ड्राइवर क्या करता है, तो क्या ड्राइवर करता है, गाड़ी चलाता है ना, तो ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल। तो ड्राइवर मोटर व्हीकल चलाता है, तो इसको हम इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। फिर है ड्रामिस्ट। ड्रामिस्ट क्या करता है, तो ड्रामिस्ट करता है वो गाना बजाते हैं ना, वो करता है, तो इसको हम इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। तो उसका आंसर रहेगा मेक पीपल लाफ, प्ले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। क्या करता है, तो इसमें आएगा
ड्रामाटिस्ट करता है ना, जो सभी को हंसाता है, म्यूजिक बजाकर, गाना गाकर सबको जोक्स करता है। तो इसमें का मेक पीपल लाफ, सबको हंसाता है वो। तो ड्रामाटिस्ट को हम इसके साथ ट्रेड कर देंगे यहाँ पे, ओके। फिर और टीचर, तो टीचर क्या करते हैं, तो कि टीचर सबको पढ़ाते हैं। तो हम टीचर इन स्कूल, टीचर स्कूल पे होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम इसके साथ ट्रेड कर देंगे। फिर नर्स, नर्स क्या करती है, तो कि नर्स, नर्स करती है क्या करती है नर्स, सोचो। चलो नर्स करती है राइट प्लेस, ट्रैवल्स इन अ क्राफ्ट, मेक पीपल लाफ, मेड योर शूज, ब्रिंग अ लेटर, के प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। चलो लुक्स आफ्टर पेशेंट, वो पेशेंट को देखती है। नर्स होती है वो क्या करती है, पेशेंट को देखती है, जो दर्दी होता है ना, दर्दी हॉस्पिटल में, उसको कुछ हेल्प चाहिए तो उसकी वो मदद करती है। तो सेवन नंबर को आप इसके साथ ट्रेंड करेंगे, लुक आफ्टर पेशेंट, ओके। फिर एट नंबर पे म्यूजिकन, म्यूजिकन क्या करता है, तो कि प्ले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वो सॉन्ग बजाकर गाता है। तो हम इसको इसके साथ ट्रेड कर देंगे, प्ले म्यूजिकल। फिर एंड एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट है वो क्या करता है, तो कि वो करता है ट्रैवल्स इन द स्पेस क्राफ्ट। तो हम इसके इसके साथ ट्रेड कर देंगे, ट्रैवल्स करता है और स्पेस रखता है बड़ी बड़ी। फिर क्लाउन, क्लाउन क्या करता है, तो कि वो करता है राइट प्लेस, वो सबको क्या करता है, गेम्स खेलाता है। तो उसको हम इसके साथ ट्रेड कर देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैं आपको इसका आंसर में भेज दूंगी, आपको किस तरह से ये कंप्लीट करना है। मैं देख लिया, जो मैंने आपको एरो करके बताया वो आपको कंप्लीट कर लेना है। तो चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पा लेक्चर नंबर 2 में स्टोरी देखेंगे, असली सिस्टर। तो तब तक के लिए आपको एक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेने हैं। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।